हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के बाद आने वाले टांके या स्टिचेस की केयर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्स की, आंकड़ों की। 9 out of 10 यानी कि 10 महिलाएं अगर नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं तो उनमें से 9 महिलाओं को एपिजियोटमी या वजाइनल टियर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब बेबी बर्थ कैनाल से बाहर आता है तो उस दौरान स्ट्रेचिंग होती है पेरिनियम की, वजाइना की, तो कई बार अपने आप वहां पे टेयर हो जाते हैं क्योंकि बच्चा बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाता है। यह ज्यादातर केसेस में, खासकर इंडियन फीमेल्स में, हो सकता है आपके डॉक्टर द्वारा पेरिनियम पे, यानी कि वो रास्ता जहां से बच्चा बाहर आता है वहां पे एक आर्टिफिशियल कट, जिसे हम बोलते हैं एपिजियोटमी, वो दी जाती है ताकि बच्चा स्मूथली बाहर आ सके। और एपिजियोटमी देने का पर्पस ये होता है कि एक प्लान्ड इंसिजन होगा तो अपने आप वजाइनल टीयर्स जो किसी भी हद तक हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एपिजियोटमी या प्लान्ड इंसिजन नॉर्मल डिलीवरी को फैसिलिटेट करने के लिए, और ये ज्यादातर महिलाओं में दिया जाता है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान। अब इसके बाद अक्सर फीमेल ये परेशानी देती है कि हमें पेन हो रहा है, या हम किस तरीके से अपनी हीलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, या स्टिचेस की देखभाल किस तरीके से करें, कब हमें डॉक्टर से मिलने की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम उन सब बातों के बारे में बात करेंगे। जो एपिजियोटमी होती है बेसिकली ये 4 डिग्रीज की होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री। ये फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री के जो टीयर्स या एपिजियोटमी होती है बहुत छोटी होती है, इसमें ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती और बहुत ज्यादा केयर की जरूरत भी नहीं होती है। कुछ सिंपल सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। थर्ड और फोर्थ डिग्री टेयर यानी कि वो स्टिचेस जहां पे डिलीवरी के दौरान लैट्रिन के रास्ते के नजदीक तक या लैट्रिन के रास्ते को भी नुकसान होता है, तो ऐसी स्टिच टाकों को जब रिपेयर किया जाता है तो उसमें ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, ज्यादा सूजन होती है और उसको रिपेयर होने में भी टाइम लगता है। तो इस दौरान हमें कुछ ज्यादा बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि स्टिचेस में प्रॉब्लम नहीं हो। वो डिलीवरीज जो कि डिफिकल्ट होती हैं, जिनमें फोर्सेप्स या वैक्यूम लगाया जाता है, या बहुत ज्यादा समय लग जाता है, या पेशेंट अच्छे से कॉपरेट नहीं करते हैं, पुश नहीं करते हैं, ऐसे केसेस में थर्ड या फोर्थ डिग्री टीयर्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। एपिजियोटमी केयर में जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज को अवॉइड करना है। ये दो चीजों में हेल्पफुल करता है। अगर थर्ड या फोर्थ डिग्री टेयर नहीं भी है तो भी एनल यानी कि लैट्रिन के रास्ते में सॉफ्टनिंग हो जाती है, तो अगर डिलीवरी के तुरंत बाद ज्यादा स्ट्रेन किया जाए या जोर लगाया जाए मोशन करते टाइम, तो स्टिचेस पे जोर ज्यादा आता है, वहां उसके इन्फेक्ट होने का या स्टिचेस खुलने का खतरा रहता है। तो आपको कब्ज अवॉइड करनी है, पानी ज्यादा पीजिए, हाई रफेज का डाइट लीजिए, हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करिए। घर में जब आप स्टिच केयर करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हर 3-4 घंटे में आप सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज करिए, और जहां तक हो सके जो कॉटनी शील्ड के सैनिटरी नैपकिन्स हैं उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये स्टिचेस को ड्राई नहीं करते हैं, इरिटेशन नहीं देते हैं और सूदिंग इफेक्ट देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कॉटनी शील्ड के सैनिटरी नैपकिन्स के साथ में ये होती है कि इनकी सोकेज जो है कंपेरेटिव टू अदर नैपकिन ये कम रहता है, इसलिए इसको बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसे हर 3-4 घंटे में चेंज करिए, और ऐसे अपने अंडर गार्मेंट्स को भी दिन में 2-3 बार चेंज करना जरूरी है, या जब कभी भी लगे आपको कि वो सॉयल हो गए हैं, खराब हो गए हैं, तो उसे चेंज करिए। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपने स्टिच लाइन की हीलिंग भी बढ़ा सकते हैं और साथ में उसमें होने वाले दर्द को भी कम कर सकते हैं। इनमें से एक है हॉट बाथ्स। डेली आपको नहाना जरूरी है, कम से कम एक बार। अगर गर्मी के दिन है तो आप 2 या 3 बार भी नहा सकते हैं, और नहाते टाइम गर्म पानी का इस्तेमाल अगर आप अपने स्टिचेस पे करते हैं तो वो सूदिंग इफेक्ट देता है। और अगर आपको और अच्छा सूदिंग इफेक्ट चाहिए तो गर्म पानी में लेवेंडर ऑयल, या फिर अगर आप नीम की पत्तियों को उबाल करके उसमें अगर डाल करके स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो वो और अच्छा सूदिंग इफेक्ट देता है। अगर आपके स्टिचेस में आपको हल्की रेडनेस लग रही है या पेन ज्यादा है तो आप सिट्स बाथ भी ले सकते हैं। सिट्स बाथ करने के लिए आपको एक टब जो उसमें बैठना कंफर्टेबल हो उसमें गर्म पानी लीजिए, जो कि आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से हो, जो आप इजीली ले सकते हैं, वो हल्का कुनकुना होना चाहिए, और उसमें सिर्फ सेवलॉन का एक ढक्कन या 5 ml सेवलॉन डालिए, और उसमें 15 से 20 मिनट अगर आप बैठेंगे तो आपको पेन भी कम होगा, वहां पे रेडनेस या सूजन है तो वो भी कम हो जाएगी।
इसके अलावा आप इन बिटवीन यानी कि जब आप नहा नहीं रहे हैं तो आप आइस पैकिंग के इस्तेमाल से भी अपने पेन और रेडनेस को कम कर सकते हैं। आइस पैक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। इन पैक्स को आप अपने स्टिचेस के ऊपर अप्लाई करिए, सैनिटरी नैपकिन को हटा दीजिए, सिर्फ पेंटी लगा करके रखिए और उसके ऊपर आप आइस पैकिंग के जरिए अपने पेन और इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट से आइस पैक नहीं मिल रहा है तो बहुत सिंपल तरीके से आप घर में इसे बना सकते हैं। किसी भी अच्छे प्लास्टिक के बैग के अंदर में जो नॉर्मल राजमा होते हैं, आप राजमा को डालिए और उसे फ्रीजर में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद, 3 या 4 घंटों के बाद वो राजमा एकदम ठंडे हो जाते हैं। फिर आप प्लास्टिक के बैग समेत ही उस पैक को अगर आप अपनी एपिजियोटमी या अपनी स्टिचेस पे लगाएंगे तो रेडनेस और होने वाले पेन को हम लोग कम कर सकते हैं। इसके अलावा बैठने का तरीका, डिलीवरी हुई है आपको स्टिचेस भी हैं लेकिन आपको बार बार बैठ करके अपने बच्चे को फीड भी कराना है जिससे टाखों पे जोर पड़ सकता है, आपका डिसकंफर्ट पेन बढ़ सकता है या हीलिंग में भी दिक्कत आ सकती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए आप लोग वेली कुशन या जिसे हम बोलते हैं डोनट कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर हम साधारण भाषा में समझना चाहें तो एक टायर ट्यूब जैसी रहती है जिसमें बीच में होल रहेगा और आसपास में पूरा तकिया रहेगा। इस तरीके का पिलो आप इजीली घर में भी बना सकते हैं या आजकल मार्केट में भी मिलते हैं। इन्हें हम डोनट पिलो या वेली कुशन बोलते हैं। इसे आप अपनी चेयर या बैठने की जगह पे अगर रखते हैं और फिर डायरेक्टली अगर आप इस पे बैठेंगे तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, स्टिचेस पे डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ता है तो आपको बैठने में, लंबे समय तक बैठने में भी किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। इसके अलावा और जो चीज ध्यान रखने की है वो है कि सोते समय हम क्या करें कि हमारे स्टिचेस पे प्रेशर नहीं पड़े। तो कोशिश करिए कि आप लेफ्ट साइड की करवट लेकर के या जिस तरफ के आपके स्टिचेस हैं उस तरफ की करवट लेकर के सोइए और दोनों टांगों के बीच में एक पिलो लगा करके रखें ताकि इससे जो वहां पे एयर सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और वहां पे डैम्पनेस कम होगी, स्टिचेस के इन्फेक्ट होने का खतरा कम होगा, डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ेगा तो आपको पेन कम रहेगा। और जो खास चीज ध्यान रखने की रहती है कि वो है कि हमें वहां पे मॉइस्चर कम रखना है यानी कि वहां पे गीलापन कम रहना चाहिए। तो दिन में 1 या 2 बार मौसम के अनुसार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने रूम को बंद करिए, अच्छे से अपने स्टिच लाइन को क्लीन करिए, बेडशीट पे कोई भी अपने सॉइल प्रूफ आप लेनिन लगा सकते हैं उसके ऊपर लेटिए, लेग्स को स्प्रेड करिए और वहां पे हवा का सर्कुलेशन होने दीजिए ताकि वहां पे जो मॉइस्चर है, वहां पे मॉइस्चर की वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है जिससे स्टिचेस इन्फेक्ट हो सकते हैं हम उसको रोक सकते हैं। तो उस एरिया को ड्राई रखने के लिए आप दिन में 5-10 मिनट 1 या 2 बार मौसम के अनुसार ऐसा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइजेस बराबर से करें, रेगुलर वॉक करें और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस भी करिए जिसके जरिए वहां पे सर्कुलेशन बढ़ता है और हीलिंग में आसानी मिलती है। और डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीने तक आपको इंटरकोर्स यानी कि लव मेकिंग की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होना है क्योंकि इससे टांकों पे जोर पड़ सकता है, टांके खुल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपने स्टिचेस की केयर इंप्रूव कर सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि क्या हम नॉर्मल डिलीवरी के बाद बेल्ट या बाइंडर का भी इस्तेमाल करें, उससे कहीं स्टिच पे कोई जोर तो नहीं पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है, वो कॉस्मेटिकली अगर आपको लगता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेगुलरली एक मिरर, छोटा सा एक कांच का लेकर के आप अपने स्टिचेस को देखते भी रहिए कि कहीं उसमें वो खुल तो नहीं रहे हैं, उसमें कोई येलोइश या ग्रीनिश डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, बहुत गंदी स्मेल तो नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा रेडनेस तो नहीं हो रही है, आपको फीवर तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ भी है तो ये टाइम है कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं, तुरंत मिलें और इसकी क्या वजह है वो जान करके उसका इमिडिएटली इलाज दें। इसके अलावा भी आफ्टर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी स्टिच केयर के बारे में अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज हमें इसमें कमेंट करिएगा, हम टाइम टू टाइम उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू।